काकोरी ब्लॉक प्रमुख रामविलास रावत का बड़ा बयान, कहा क्षेत्र के कुछ दबंग नहीं हटने दे रहे सरकारी जमीन से अवैध कब्जा, लेखपाल को देते हैं धमकी। सरोजनी नगर तहसील में समाधान दिवस पर जन समस्याओं को लेकर पहुंचे काकोरी ब्लॉक प्रमुख रामविलास रावत का कहना है कि उनके क्षेत्र के कुछ दबंग लोग खेल मैदान, चारागाह और तालाब की जमीन से नहीं हटाने दे रहे कब्जा, जबकि प्रशासन द्वारा इससे पूर्व में खेल मैदान, चारागाह और वृक्षारोपण की जमीन की पैमाइश कराई गई थी, जिसमें कुछ कब्जा पाया गया था जिसे कुछ दबंग लोगों ने हटने नहीं दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं इन सब पर काकोरी ब्लॉक प्रमुख रामविलास रावत का क्या कुछ कहना है। खेल मैदान, प्राइमरी पाठशाला की भूमि पर अवैध रूप से कुछ दबंग भूमाफियाँ जिन्होंने कब्जा कर रखा है, इसकी शिकायत पूर्व में हमने आज तहसील में दिया था, जिस पर आज सरकारी आदेश होकर 23 तारीख को नाप हो गई। नाप के दौरान ही वहाँ के जिला बदर भूमाफिया समीम वसीम नसीम सलमान और उनके सहयोगी ने लेखपाल को भी जान से मारने की धमकी दी, माँ बहन की गाली दी तथा उसका बस्ता जलाने की धमकी दी। मेरे द्वारा कहा गया कि यह नाप सरकारी हो रही है, तो जैसे ही लेखपाल अपनी गाड़ी पर बैठकर चल दिए वहाँ से, उन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर फायर किया। नसीम ने गाड़ी तेज से बढ़ा दी गई, कोई चोट नहीं आई, लेकिन वो लोग लगातार हत्या करने के प्रयास में वसीम समीम नसीम और उनके दबंग भूमाफिया। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, तो कहें आप क्षेत्र की सरकारी जमीन खाली करा रहे हो इसलिए आपके साथ ऐसा ही हो। मेरे क्षेत्र के लगभग 80% लोग चकबंदी के समय से ही गरीबों की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और उनकी वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है, वो बेचारे गुहार लगा लगा के मरे जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन है वो एकदम ध्यान नहीं दे रहा है। सभी तहसील से लेकर पुलिस तक सब उनका सुरक्षा कर रहे हैं। आश्वासन दिया है कि जांच करा के कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्राइमरी पाठशाला और खेल मैदान की भूमि पर कब्जा है और सरकारी नाप करने जब जाएगा लेखपाल, उसको जब क्षेत्र में लोग गोली कट्टा लेकर दौड़ाएंगे उसके फायर करेंगे, तो कौन लेखपाल और कौन प्रधान सरकारी कार्य कराएगा, सब अपने घर बैठेंगे। अभी हाल में इसकी पैमाइश वगैरह भी खेल के मैदान की, इसमें क्या निकल के सामने, उस पर कल्लूपुर पुत्र अतवारी अतवारी पुत्र भगन ने अवैध कब्जा कर रखा है, बल्कि कल उस पर जो है जुताई बवाई करके उसमें फसल भी बो दिया। एक प्रमुख जी मामला है एक फर्जी रजिस्ट्री का आपको लेकर, एक बूढ़े व्यक्ति को आपने जो है एक जमीन लिखवा ली 17 लाख की, उनका पेमेंट भी नहीं पूरा किया, क्या मामला है पूरा? उनका पेमेंट रजिस्ट्री के समय ही पूरा कर दिया गया था, उसका प्रूफ उनकी बैंक बता सकती है और उनको देने के समय रजिस्ट्रार। अभी हाल ही में एक और एप्लीकेशन उनके द्वारा दिया गया है कि जबरन उनसे जो है रजिस्ट्री कराई गई है और पूरा पैसा अभी तक उनको नहीं मिला है। आज तक कोई रजिस्ट्री किसी से कोई जबरन करा ही नहीं सकता, स्वतंत्र रूप से रजिस्ट्रार महोदय पूछते हैं कि आप जमीन बेचने आए हैं उसका पैसा आपको मिला कि नहीं, इसका बयान रजिस्ट्रार ऑफिस में ही हो जाता है। और तमाम तरीके के हमारे तथाकथित नेता वहाँ पे जो मुझसे दलाली का पैसा मांग रहे थे, मैंने उनको देने का मना किया, तो वृद्ध लोगों को और हमारे क्षेत्र के लोगों को भ्रमित करके आए दिन मनगढ़ंत प्रार्थना पत्र देते रहते। वहीं समाधान दिवस पर सरोजनी नगर तहसील में 95 शिकायतें आई, जिनमें से ज्यादातर शिकायतें राजस्व विभाग व अवैध कब्जे से संबंधित हैं, जिन्हें तय समय पर निस्तारण करने का आदेश संबंधित विभाग को दे दिया गया है। लखनऊ से रजनेश वर्मा, जननायक एक्सप्रेस न्यूज की खास रिपोर्ट।